बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज गिरिडीह के स्नेहदीप वृद्धा आश्रम और सदर अस्पताल में जरूरतमंदों के बीच फल, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। इस दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने पीएम नरेंद्र मोदी के 7 वर्षों के कार्यकाल की सराहना करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। मिशन पार्ट टू, ये भारतीय जनता पार्टी कोविड महामारी जब से प्रारंभ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन पार्ट टू के तहत आम जनता का सेवा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का 7 वर्ष पूरा हो रहा है और यह इनका कार्यकाल उपलब्धियों से भरा कार्यकाल रहा है। वहीं इस मौके पर वरिष्ठ बीजेपी नेता सुरेंद्र बर्मन भी मौजूद थे, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का कार्यकाल का 7वां साल है, तो आज हम लोग बुजुर्ग वृद्धा आश्रम में आके फल और मास्क सैनिटाइजर का वितरण किए, यहीं से शुरुआत किए। उसके बाद पूरे जिले में 500 गांव में हम लोग जा कर जो जहां पर हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता है, कोई भी है, सब समाज सेवी लोग और नेता लोग जाके सेवा कर रहे हैं। इस संबंध में पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक उपाध्याय ने क्या कहा, आप भी देखिए। सेवा ही संकल्प है अपना भारतीय जनता पार्टी का, उसकी शुरुआत हम लोगों ने वृद्धाश्रम से किया है। आज पूरे जिले में अनाज का वितरण, सैनिटाइजर का वितरण, मास्क का वितरण गरीबों के बीच में विभिन्न गांवों में होगा, पूरे जिले में सब जगह का प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। हम लोग को भी जाना है धनवार, यहां से शुरुआत करके हम लोग तमाम लोग आज सुरेंद्र बर्मन जी के सौजन्य से वृद्धाश्रम में फल का वितरण हम लोगों ने किया। अभी सदर हॉस्पिटल में भी करना है, यहाँ के बाद हम लोग गाँव में जाएंगे और गाँव में जाकर विभिन्न गाँवों में गरीबों को, असहाय लोगों को जिनको जरूरत है, वहाँ जाकर अनाज का वितरण और सारी चीजों का वितरण हम लोग करेंगे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।